हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए वेरी लॉन्ग एंड थिक हेयर पे लेयर कटिंग वीडियो, और बहुत ही इजी प्रोसेस बताऊंगी। लेकिन उसके पहले कुछ बहुत ही खास बात मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि जब छोटे हेयर होते हैं तो उन्हें हमें कूमिंग करना और कटिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है इनके जैसे लंबे और घने बालों की, और साथ ही साथ अगर हेयर फंसने वाला हो तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती, क्योंकि उस पर जो है हमें जो है कूमिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी होती है। कोम करने के बाद भी इस टाइप के हेयर फंसते हैं। जैसे इनका हेयर मतलब लंबा है, थिकनेस भी बहुत अच्छी है, लेकिन रफ़ हेयर है, तो जो रफ़ टाइप के हेयर होते हैं ना वो फंसते बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ के हेयर को एक साथ में मिला के कोम करते हुए चलना है, और देख सकते हो कि इतना सुलझाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा फंस रहा है। तो चौड़ी कोम का यूज़ करेंगे, ऐसे हेयर पे आप कभी भी पतली कोम यूज़ नहीं करेंगे, वरना फिर वो फंसते ही रहेंगे। तो दोनों तरफ के हेयर को एक साथ में इस तरीके से ग्रिप करेंगे। ओके, तो ये बिल्कुल भी झूठ बोलने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। जब छोटे हेयर पे कटिंग करो तो उस पर बहुत ईजी होता है करना, क्योंकि कोमिंग बहुत ईजी हो जाती है और हाथों को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना होता है, मतलब जल्दी हो जाता है। और पार्टिंग आप पीछे से देख लीजिए, पार्टिंग पीछे वाली जो पार्टिंग है उसको मिलाना नहीं है, सिर्फ सामने वाली पार्टिंग को जो है आपको एक साथ में मिलाना है, पीछे आपको ऐसे ही रहन देना है। और अच्छे से कोम करते हुए लेके आएंगे, उसके बाद में एक रबर बैंड की हेल्प से इसे सिक्योर कर देंगे। ये देखिए, तो ये बहुत ही इजी टेक्निक हो जाएगी, क्योंकि इतने थिक हेयर को आप एक साथ में ग्रिप करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे कटिंग करने के लिए ना, तो फिर वो अनइवन हो जाएगा, कटिंग परफेक्ट नहीं होगी। तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरीके से इसे सिक्योर कर देंगे। उसके बाद में मैं इनसे जो है लेंथ पूछ लूँगी कि कितना कट करना है। देखिए, मैं पूछ रही हूँ और आप समझ जाएंगे वीडियो में देख के कि हाँ वो क्या बोल रही हैं। उसके बाद मैं फिर से उनको बोलूँगी कि आप एक बार मुझे आइडिया दे दीजिए, क्योंकि जितना क्लाइंट हमें बोलते हैं उनके हिसाब से भी हमें थोड़ा सा कम ही कट करना होता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस करते करते फिर वो जितना बोलते हैं उतने तक पहुँच जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से जो है टू फिंगर्स के बीच में ग्रिप करेंगे और बराबर कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच के लगभग इनका हेयर कट करती हूँ, बिल्कुल बराबर करना है। उसके बाद में इसको ओपन कर लेंगे ऐसे, ये देखिए। तो आप लोग रेट को लेके बात पूछते रहते हो ना कि मैम हमें कितना प्राइस लेना चाहिए, तो देखिए प्राइस आप हेयर की लेंथ के हिसाब से लेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा हैवी हैं और लॉन्ग भी बहुत हैं तो उस पर आप ज़्यादा प्राइस लेंगे, क्योंकि उस पर कटिंग करने में आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है। जैसे लॉन्ग हेयर आप देख सकते हो कि हाथों का काम कितना बढ़ जाता है, बिल्कुल लंबाई से हेयर को कोम करना, उसी तरीके से उसको ग्रिप करना, फिर कट करना, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। तो आप पहले हेयर की ग्रोथ देख लें, उसके हिसाब से आप चार्जेस फिक्स करें, क्योंकि अगर किसी के छोटे हेयर हैं, बहुत कम हैं, पतले हेयर हैं, तो उनसे ज़्यादा चार्जेस लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं अपने पार्लर में कभी भी चार्जेस फिक्स नहीं रखती हूँ, मैं हेयर के अकॉर्डिंग चार्ज लेती हूँ। अगर बहुत कम हैं तो किसी कटिंग का 250 लेती हूँ, किसी का हैवी है तो 350, और ज़्यादा हैवी है तो 450, 550, 650 या 600 इस टाइप से जो है जाता है। तो हेयर की जो है लेंथ के हिसाब से और उसके थिकनेस के हिसाब से मैं चार्ज को अप एंड डाउन करती हूँ। उसके बाद देखिए, हाफ एन आप डिवाइड करके टू फिंगर्स के बीच में ऐसा ग्रिप करेंगे, और उसके बाद इसको इस तरीके से कट कर देंगे। यहाँ पे कटिंग आपको बराबर ही करनी है, तिरछा नहीं करना है, और ये कुछ इस तरीके से लुक आ जाएगा। सेम यही वाला प्रोसेस हमें इस तरफ भी कंप्लीट करना होगा। देखिए, तो फेस का लुक आप इनका भी देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन कटिंग होने के बाद में ना बहुत अच्छा लगेगा। तो इधर भी देखिए, इस तरीके से हल्का ऊंच से जो है ऊंचाई से उठाते हुए कोम करेंगे। तो मैंने लॉन्ग हेयर पे बहुत ही अच्छे अच्छे कटिंग वीडियो डाल रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर से स्टेप्स कट वगैरह बताए हुए हैं, लेयर कट, लेज़र कट, फेदर कट, सारे टेक्निक मैंने बताए हुए हैं कि कैसे करना चाहिए। तो कटिंग करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप हेयर को बिल्कुल छोटा कर दें, नहीं, आप लंबे से लंबे बालों पर भी आप हर एक कटिंग को कर सकते हैं। तो देखिए, सामने वाले हेयर को पीछे की तरफ मैं कर दी हूँ, क्योंकि अब मुझे इनके फेस के लुक को चेंज करने के लिए थोड़ा सा मैं फ्लिक्स कट करूँगी। ये देखिए, और इनको जो है सामने से थोड़ा सा छोटा चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा छोटा रखना है, क्योंकि बोल रही थी कि ताकि थोड़ा फेस पे लुक आ सके। तो यहाँ पे देखिए, मैं दोनों तरफ से इक्वल हेयर को निकाली हूँ, और इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है,
और चिन के पास से लाके, देखिए चिन से थोड़ा सा नीचे लाके ऐसा कट कर दूंगी, ठीक है। पहले बराबर कट करेंगे, उसके बाद में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसा कोम्ब करते हुए। और ये वाला इसलिए करना ज़रूरी होता है, ऊपर की तरफ आप ले जाके अगर कटिंग करते हो ना तो उसमें एक स्टेप्स का लुक आ जाता है। कटिंग यहाँ पे बराबर ही करेंगे, कम से कम 2 से 3 बार आप ये प्रोसेस जो है कर लेंगे रिपीट, और हल्की सी जो है लास्ट में ऐसा नोचिंग कर देंगे। तो ये सामने का देखिए हो चुका है। अब बैक से आप इनका लुक देखिए, बैक साइड से आप देख सकते हो लेंथ इनकी पूरी की पूरी अभी बची हुई, सिर्फ थोड़ा सा कट हुआ है, लेकिन इसमें फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो पतला पतला अनिवन सा नीचे नीचे दिख रहा है ना, वो अच्छा लुक नहीं देगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है डीप यू करने वाली हूँ, क्योंकि इनके हेयर काफ़ी अच्छे घने हैं, ये देखिए। तो लंबे लंबे हेयर पे भी आप बहुत ही सुंदर तरीके से कटिंग करके दे सकते हो, स्टेप्स के नाम पे छोटा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप और भी ज़्यादा एडवांस स्टेप्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे चेक कीजिएगा, आपको ऑल टाइप्स की हेयर कट वीडियो मिल जाएंगी। और हाँ, कल मैं बहुत ही अच्छी सी ब्रश वाली वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि ब्रश का पूरा वीडियो कम्प्लीट नहीं हुआ था, कुछ ब्रश बतानी बाकी हैं, तो उसका वीडियो मैं सब जो है कल ही अपलोड करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो बस इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं डीप यू कट कर दे रही हूँ, सेंटर को स्ट्रेट और जो साइड वाले हेयर हैं उन्हें तिरछा कट कर देना है। प्रोसेस बहुत इजी है, लेकिन हेयर जब अच्छे घने और लॉन्ग होते हैं, साथ ही साथ इस तरीके से फंसने वाले होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा संभाल संभाल के कोम करना होता है, क्योंकि इतना सुलझाने के बाद भी आप जैसे ही ऊपर की तरफ ले जाओगे तो बहुत फंसते हैं इसके लिए। तो दोनों तरफ का देखिए इस तरीके से मैं कंप्लीट कर लूँगी, साथ ही साथ सेटिंग मैं बहुत ही नॉर्मल सा करने वाली हूँ, क्योंकि इनको थोड़ा सा ही, मतलब जब कटिंग अच्छी हो जाती है ना तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का सा सेट कर देंगे उतना ही काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे देखिए जो मेरी पैडल ब्रश है उसकी हेल्प से हल्का हल्का सा इन कर दे रही हूँ हेयर को, और इसी कटिंग को अगर आप और भी ज़्यादा एडवांस दिखाना चाहते हैं ना तो आप इसमें आउट कर्ल्स करें, आउट कर्ल्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो सेटिंग का प्रोसेस भी देख लीजिए, बहुत ही इजी है, सामने वाले हेयर को कैसे करना है, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एक बार जो है इनसाइड करके और एक बार आउटसाइड करके, ये देखिए दो तरीके से ये वाला प्रोसेस आपको कर लेना है। तो सेटिंग भी कंप्लीट हो गई है, और सेटिंग की मैंने ऑल टाइप्स की वीडियो डाली हुई है कि आप किस किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, हर तरीके की सेटिंग वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो देखिएगा ज़रूर आप लोग। तो ये सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही की हूँ, लेकिन लुक वाइज़ आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, और फेस भी कितना चेंज हो गया है, मतलब हेयर कट से ना फुल फेस मेकओवर हो जाता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये देखिए तो कैसा लगा आज का वीडियो आप सबको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ में मैं हमेशा आप सबसे मिलती रहूँगी। और देखिए पीछे से लेंथ इनकी पूरी की पूरी बची हुई, और आपने पहले देखा ना जब मैं बैक साइड दिखाई थी तो अनइवन लग रहा था, लेकिन नीचे से फिनिशिंग देने के बाद में कुछ इस तरीके से देखिए बहुत ही प्यारा सा लुक दिख रहा है। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया हुआ है, बहुत ही प्यारे से स्टेप्स दिखेंगे ये देखिए, और ये पिक देख सकते हैं आपकी जब मैं कटिंग नहीं की थी उसके पहले की है, और ये कटिंग हो जाने के बाद में, तो दोनों में डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हो एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।